22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समय को लेकर कई विद्वान सवाल उठा रहे हैं कि यह दिन ही क्यों चुना गया। दूसरा यह कि मंदिर का शिखर नहीं बना है और उस पर कलश भी स्थापित नहीं है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। इस संबंध में इंदौर के विद्वान पंडित अभिषेक पांडे जी का को वाराणसी रामघाट के श्रीवल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के विद्वान परीक्षा अधिकारी मंत्री पंडित श्री गणेश शास्त्री दुनावीन जी ने उत्तर दिया। पहले प्रश्न के अनुसार 22 जनवरी 2024 का दिन सबसे शुभ है क्योंकि पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसमें लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम सप्तम एवं नवमी पर होने से यह मुहूर्त उत्तम है। मकर का सूर्य पौष मास के दोष को समाप्त करता है। इस वक्त सूर्य उत्तरायण है जो कि शुभ समय है। दूसरा प्रश्न यह है कि मंदिर का शिखर नहीं बना फिर भी क्यों की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। इसके उत्तर पर कहा कि मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः निर्मित है जिसका वास्तु शांति करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। शिखर निर्माण के बाद अलग मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है, यह किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध नहीं है। विद्वानों के मुताबिक संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र कृषि कार्य व्यापार विदेश यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। हमारा भारत देश विशेष रूप से कृषि प्रधान देश है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमारे राष्ट्र का भी कल्याण होगा। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 सोमवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:32 से 12:54 तक रहेगा। इस बीच 12:29:08 से मूल मुहूर्त प्रारंभ होगा जो 12:30:32 तक चलेगा।